अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी किसी का भी स्टोरी देखना चाहते हैं और उसे बताना नहीं चाहते? क्या आप ही वो पर्सन हैं जो चाहते हैं कि मैं किसी का भी स्टोरी देखूं और उसको भनक भी ना लगे? तो बिल्कुल आप सही वीडियो पे आए हैं, आपने सही वीडियो को क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं आपको गारंटी देता हूँ, एकदम गारंटी देता हूँ कि आप किसी का भी स्टोरी देख लेंगे और उसको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने उसका स्टोरी जो है देख लिया है। आप चाहे तो उसके स्टोरी को डाउनलोड भी कर सकते हैं। कैसे? तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक देखना होगा। मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से कैसे क्या चीज़ें होती है आपको मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। और सबसे बड़ी बात, इस वीडियो के अंदर में मैं आपको ऐसा एक्स्ट्रा कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए नहीं बोलूँगा जिससे आपका स्टोरेज जो है, आपके फ़ोन का स्टोरेज फुल हो जाए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इंस्टाग्राम एप्लीकेशन जो है ओपन करूँगा। आप भी इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए। और मैं क्या करूँगा, आपको शो करने के लिए, आपको दिखाने के लिए सबसे पहला काम मैं करूँगा कि मैं एक स्टोरी जो है यहाँ पे लगाऊँगा, ताकि उसको मैं दूसरे प्रोफाइल से देख करके मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से दिखता है, कैसे बताता है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस तरीके से, किसी और तरीके से मैं स्टोरी को देखूंगा और यहाँ पे पता भी नहीं चलेगा। सारी चीज़ें जो है मुझे डेमो करके आपको बताना पड़ेगा, डेमोन्स्ट्रेट करना होगा मुझे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं एकदम प्रैक्टिकली सब कुछ करके मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए पहले मैं स्टोरी ऐड करता हूँ। यहाँ पे मैं गया और मैंने सिंपली योर स्टोरी पे क्लिक करके मैंने यहाँ पे स्टोरी ऐड करना शुरू कर दिया। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, कोई भी एक पिक जो है मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, कोई भी एक पिक जो है यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सिंपली फ़ोटोज़ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से सपोज़ मैं इसी एक पिक को ले लेता हूँ और इसको आराम से स्टोरी पर इंसर्ट कर देता हूँ। विजिट लहसन, मैंने ये इंसर्ट किया और सिंपली मैं इसको एक ओके मैंने ये एक स्टोरी इंसर्ट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली सेंड टू क्लिक करूँगा और यहाँ पे योर स्टोरी, इसके ऊपर मैं कर दूँगा क्लिक और यहाँ पे कर दूँगा मैं डन। तो मेरा स्टोरी जो है वो यहाँ पे ओके, मैंने ओके कर दिया। इसके बाद में आपका स्टोरी जो यहाँ पे शो होने लगेगा, जैसे मैं इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो आपका स्टोरी जो यहाँ पे शो होगा, यानी मेरा स्टोरी जो मैंने अभी जस्ट लगाया वो यहाँ पे शो हो रहा है। अभी आप यहाँ पे गौर दीजिएगा, यानी ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा वो ऑप्शन जिस पे बताया कि हाँ कि किसने किसने आपके स्टोरीज को जो है देख रखा है। अब चलिए इस स्टोरी को मैं क्या करता हूँ, मैं अपने दूसरे प्रोफाइल से इसको देख करके मैं आपको बताता हूँ। मैं अपने दूसरे प्रोफाइल पर स्विच करूँगा। यहाँ पर स्विच करने के बाद में अब आपको करना क्या है, सिंपली स्टोरी देख लेना है। मैं यहाँ से पहले स्टोरी देख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर मुझे नज़र आ जाएगा ये रहा स्टोरी। मैंने सिंपली इस स्टोरी पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने इस स्टोरी को जो है देख लिया। ओके, अब मैं आता हूँ बैक, मैं फिर से यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ से मैं फिर से क्या करूँगा, मैं उसी प्रोफाइल में जाऊँगा जहाँ पे मैंने स्टोरी लगा रखा था और यहाँ पे मैं स्टोरी पे फिर से जो है क्लिक करूँगा। मैंने स्टोरी पे क्लिक किया और यहाँ पे देखिए, अभी आपको यहाँ पे बताएगा कि सीन बाय वन, यानी कितने लोगों ने देखा, यहाँ पे बता देगा। जैसे इसके ऊपर मैं आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको बता देगा कि कितने लोगों ने देखा और किसने आपके स्टोरी को जो है देख रखा है। तो अब्दुलरहमान जी ऑफिशियल, इन्होंने मेरे स्टोरी को जो है देख रखा है। अब चलिए, अब मैं क्या करता हूँ कि अभी इस स्टोरी को जो है मैं देखूँगा कहीं और से, जहाँ से आपको, यानी जहाँ से ये होगा कि इस, यानी ये जो पर्टिकुलर यूज़र है जिनके पास में, जिन्होंने स्टोरी लगा रखा है, इसको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने स्टोरी इसका देख रखा है। कैसे? तो अभी आपको करना क्या है, आपको इनका यूज़र नेम जो है याद रख लेना है। लाइक यहाँ पे ये जो यूज़र नेम है अब्दुलरहमान जी शेख है, तो अब्दुलरहमान जी शेख यूज़र नेम जो है मैं याद रखूँगा, यानी नोट कर लूँगा। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है मेरा यूज़र नेम, सारा यूज़र नेम। और मैं क्या करूँगा, आ जाऊँगा अपने ब्राउज़र में। तो आप ध्यान रखिए कि मैंने ये बताया था आपको कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इट मींस कि आपके फ़ोन के अंदर में, यानी आपका जो एंड्रॉयड फ़ोन है जो अभी आप यूज़ कर रहे हैं,
उसके अंदर में एक डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र ज़रूर मिलता है। दैट्स वाई मैंने आपको कहा कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा ब्राउज़र इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको करना क्या है, सिंपली आपको क्रोम ब्राउज़र यानी ओपन कर लेना। कोई भी आप ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं, एनी ब्राउज़र, आपकी चॉइस है। यहाँ पर आने के बाद में आपको सिंपली यहाँ पर आना है गूगल में, और आपको यहाँ पर सिंपली सर्च करना है इंस्टा डीपी। क्या सर्च करना है, इंस्टा डीपी आपको सर्च करना है गूगल पे। उसके बाद में आपको फर्स्ट वेबसाइट मिलेगा instadp.com। अगर बाय चांस ये वेबसाइट कभी काम नहीं करती है तो आप वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है ज़रूर चेक कीजिए, वहाँ पे आपको वर्किंग वेबसाइट का लिंक जो है ज़रूर मिलेगा आपको। तो आपको ये आपको ध्यान में रखना है कि पहले आपको ये ट्राई करना है, अगर ये यहाँ पे काम नहीं करता तो आपको जो दूसरा वेबसाइट है उसका लिंक ज़रूर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आप इसके लिए कमेंट ना करके उल्टी सीधी बातें नहीं करेंगे, ओके। यहाँ पर आने के बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा सर्च यूज़र नेम। सिंपली आपको सर्च यूज़र नेम पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको वो यूज़र नेम जो है इंसर्ट कर देना है, अब्दुल रहमान जी शेख, ओके। उसके बाद में आपको सिंपली गो पे यानी सर्च वाले आइकन पे क्लिक करना है। ये जो सर्च वाला आइकन है इसको में क्लिक कीजिएगा तो ये सर्च होगा। ये पहले वेरीफाई करेगा सिक्योरिटी चेक के लिए, तो आई एम ह्यूमन इसके ऊपर मैं क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको जो भी चीज़ें बताएगा सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे बता रहा है प्लीज़ क्लिक ईच इमेज कंटेनिंग अ ट्रेन, जिसके अंदर में ट्रेन है ना उसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मुझे ट्रेन नज़र आ रहा है, यहाँ पे मुझे ट्रेन नज़र आ रहा है, और यहाँ पे भी मुझे ट्रेन नज़र आ रहा है। थोड़ा सा देख लेते हैं, नेक्स्ट करेंगे। फिर उसके बाद बोल रहा है फिर से सेलेक्ट कीजिए जिसमें ट्रेन नज़र आ रहा हो आपको। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे भी मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे भी मैंने सेलेक्ट किया, और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद में आपको जो है यहाँ पे बता देगा, जैसे यहाँ पे देखिए कितने फॉलोअर्स हैं, तो 4 फॉलोअर्स है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फुल साइज़ में आप देखना चाहते हैं तो फुल साइज़ में आप इनको देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी इसके अंदर में जो भी फोटोज़ जो है अपलोड होगा रिसेंटली वो आपको यहाँ पर शो करेगा। तो अभी आपको करना क्या है, यानी मुझे करना क्या है, स्टोरीज़ में जाना ताकि मैं स्टोरी देख पाऊँ। जैसे मैंने स्टोरीज़ पर क्लिक किया, स्टोरीज पे क्लिक करने के बाद में मुझे यहाँ पे बता देगा उसका स्टोरी। देखिए अभी 4 मिनट पहले जैसा अपलोड किया गया, पोस्टेड 4 मिनट्स अगो, राइट। सिंपली आप चाहे तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से। जैसे इसको डाउनलोड करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, तो आप यहाँ से चाहे तो स्टोरी को जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये डाउनलोड हो चुका है, अब इसको जहाँ पे भी सेव करना है सेव कर सकते हैं। तो चलिए, मेरा मेन मकसद था आपको बताना कि किस तरीके से आप स्टोरी जो है देख सकते हैं बिना उसको बताए कि आपने स्टोरी देख रखा है। तो आपने यहाँ से स्टोरी देख लिया, अभी आपको करना क्या है, सिंपली मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए मुझे पता भी नहीं चला, यानी उस यूज़र को पता भी नहीं चला जिनका स्टोरी आपने देखा है। अभी यहाँ पे आ गए हम, और जैसे मैं जाऊँगा यहाँ पे योर स्टोरी पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सीन बाई वन, जस्ट एक ही आ रहा है सीन बाई वन, इसके अलावा कोई और है ही नहीं। अभी चलिए मेरे पास में एक और अकाउंट है, मैं उससे क्या करता हूँ इस स्टोरी को देखता हूँ, और फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे यहाँ पे भी नज़र आ रहा है या नहीं। इसके बाद में देखिए मुझे यहाँ पे नज़र आ जाएगा अब्दुल रहमान जी शेख का। मैंने इसके ऊपर मैं क्लिक किया, स्टोरी जो है मैंने देख लिया। स्टोरी देखने के बाद मैं सिंपली मैं बैक गया, मैं फिर से जाऊँगा उस प्रोफाइल पे अब्दुल रहमान जी शेख पे, और यहाँ पर आने के बाद में मैं क्या करूँगा, जाहिर सी बात है यहाँ पर आने के बाद में मैं स्टोरी पे क्लिक करूँगा योर स्टोरी। अब यहाँ पे देखिए सीन बाई टू, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए दोनों अकाउंट से जो है मुझे दिख गया कि दो बंदे ने देखा है, तीसरे बंदे ने नहीं देखा है। तीसरा बंदा ने अपना दिमाग लगा करके देखा है ना, इसलिए उसका नहीं दिख रहा है इस वजह से। तो मुझे उम्मीद है आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि किसी के भी स्टोरी को आप देख लें और उसको पता भी नहीं चले कि आपने उसके स्टोरी को जो है देख रखा है। तो आप इसका ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जो है मैं लाता रहूँगा, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखिए, आप अपने फैमिली का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।